हैं ऊपर देखते हैं कहाँ ऊपर वो आप बोल रहे हैं छत पे सुराख है ये चली ना इधर वाली हमारे वाली की छोटी चली उनका पता नहीं चला पूरी फाड़ कितनी जल गया आग निकलने लगी सर बेटा इधर है पता है इधर है आप जरा बैठ के इसको दिखाओ जैसे दिखा रहे हो साथ में आप कर लो इससे बात भी मैं वहां पर करूंगा जहां पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज़ फायर जो है सीमा पर सीज़ फायर का वायलेशन किया गया है और इस बार जो है जम्मू के अर्निया सेक्टर में जो है सीज़ फायर वायलेशन हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंदिर है और जो पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं वो जानबूझकर अब ऐसे एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोगों के सेंटिमेंट से जो है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं मंदिर है और ये जो है मोर्टार शेल यहाँ पर गिरी है जिससे ये जो दीवारें हैं उनको नुकसान पहुँचा है। अगर बात की जाए नुकसान की तो जो है एक जो पर्सन है वो इंजर्ड बताया जा रहा है, उसके साथ साथ जो हैं जो पशु हैं वो भी उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और ये नीचे आप देख सकते हैं जो नुकसान किस तरह से जो है मंदिर को टारगेट किया गया और नुकसान पहुंचाया गया है। कल रात तकरीबन 11 बजे से जो फायरिंग जो शुरू हुई जो पहले छोटे आर्म से शुरू हुई और बाद में मोर्टार शेल्स जो हैं तकरीबन सुबह 5 बजे तक चली। अभी हम यहाँ पर कुछ लोकल से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल था कल जब फायरिंग शुरू हुई। जी आपका नाम? सर अजीत सिंह। कल फायरिंग किस वक्त शुरू हुई? रात को 11 बजे सर फायरिंग शुरू हो गई थी। तो जो फायरिंग है वो किस बड़े वेपन से की जा रही थी या छोटे वेपन से? सर पहले तो छोटे से हुई थी और कोई 11:10-20 के बाद फिर मोर्टार आगे शेल बड़ा शेल पड़ना पड़ा फिर यहाँ पे आने लगा सर। तो जो मंदिर को टारगेट किया गया है जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट किया जा रहा है तो लोगों में किस तरह से लोग सहमे हुए हैं या किस तरह का माहौल है? सर यहाँ पे तो बहुत डर का माहौल पैदा हुआ है। हम लोग तो डर के मारे बाहर नहीं निकलते घर से और जैसे जिनको वो शैल आते हैं ना वो तो सर हम लोग घबरा जाते हैं घर में। और हम सिर्फ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारे लोगों के लिए कुछ करे, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे गिरे हुए हैं कि हम बाहर भी नहीं जा सकते और अंदर भी नहीं आ सकते। हमारा सर रात को गुजारना बहुत मुश्किल है सर। स्कूल जो हैं पिछले काफ़ी दिनों से बंद हैं तो किस तरह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है? बच्चों की पढ़ाई भी बिल्कुल सर आप अंदाजा नहीं कर सकते, जिनके उनके कोर्स हैं जो करने थे वो भी पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही है और हमारे इलाके के बच्चे भी कुछ कर नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते और आगे उनकी जो परसेंटेज मांगते हैं वो भी पूरी नहीं होती। इस बमबारी से हमारे सर बहुत नुकसान है यहाँ पे। तो रिहायशी लोगों का साफ कहना है कि जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान की जो कायराना हरकतें हैं वो जारी हैं क्योंकि सीमा पर जो BSF तैनात है उसका पाकिस्तानी सेना जो है वो सामना नहीं कर पा रही, इसलिए जो है रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। गुरसिमरन सिंह, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू से।